सो गाइस, आप सब लोगों को पता होगा कि भाई MIUI का जो है एक ही कस्टमाइजेशन सोर्स है, वो है थीम्स। तो गाइस, थीम्स जो है आप अलग अलग थीम्स लगाते हो आपके फ़ोन को थोड़ा सा बेहतर लुक प्रोवाइड करने के लिए और यहाँ पे जो है थोड़ा सा ज़्यादा कस्टमाइजेशन फीचर्स पाने के लिए। सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में तीन थीम्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि काफ़ी कूल और काफ़ी पसंद आने वाला है आप सबको। और यहाँ पे आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि भाई इसको इंस्टॉल भी कैसे करना है और थर्ड पार्टी थीम्स को कैसे इंस्टॉल करना है और बाकी जो है आपको थीम स्टोर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं जो थीम अप्लाई करने जा रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पे थीम स्टोर में दिखाने वाला हूँ और हाँ, ये आपको थीम स्टोर में ज़रूर देखने को मिल जाएगा, सर्च कर लेना मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारे लिस्ट में है वो है यहाँ पे कलर पिक्सल थीम, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स देखने को मिलेंगे, कुछ डेवलपर्स के नाम भी यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑथर यहाँ पे आप देख सकते हो, डेवलपर AK मैन यहाँ पे लिखा है। तो इसको सिंपली हम यहाँ से अप्लाई कर देंगे और ये कुछ सेकंड्स में जो अप्लाई हो जाएगा। आप सिंपली अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका थीम है वो काफ़ी कूल लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोल सेंटर में भी आपको यहाँ पे जो है एक अच्छा सा एक नया सा ब्राइटनेस लेटर देखने को मिलता है, मतलब सब कुछ एक रीडिजाइंड जो आइकन से यहाँ पे कुछ शो हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि थीम्स आइकन वगैरह यहाँ पे आइकन्स पैक जो है यहाँ पे काफ़ी बड़ा चेंज है इस थीम का। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे डेटा का शॉर्टकट भी लगा रखा है, आप यहाँ से ऑन कर सकते हो डेटा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा ऑन हो चुका है, जैसे मैं यहाँ से डेटा ऑफ कर देता हूँ तो गाइस डेटा यहाँ पे ऑफ हो जाता है। तो इसको सिंपली आपको इनेबल करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है, यहाँ पे आपको वेजेस में क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे आइकन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप डेटा वाला जो है इसको सिंपली यहाँ पे चूज करके यहाँ पे कोई इस तरह से लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अच्छे से काम करता है, यहाँ पे आप अगर कुछ जल्दी में या फिर ऑफिस के काम कर रहे हो या फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा आलस है तो यहाँ से आप इसको सिंपली इनेबल डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो इस थीम का जो लॉक स्क्रीन है वो लॉक स्क्रीन भी आपको कुछ इस तरह से काफ़ी धासों तरीके से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं है, सब कुछ नीचे दिखाई देगा, सब कुछ नीचे नीचे कर रखा है इस थीम में। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि पासवर्ड का जो है यहाँ कुछ इस तरह से लेआउट आ जाता है और जैसे ही मैं फिंगरप्रिंट को लगाता हूँ तो इंस्टेंटली यहाँ पे जो है ये ऑटोमेटिकली जो है वो नॉर्मल जो आपको एनिमेशन देखने को मिलता है वैसे आपको देखने को मिलता है थीम के साथ में। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैं डायलर पैड की बात करूँ तो गाइस डायलर पैड में आपको कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है जो कि काफ़ी कूल लगता है। ये वेडजेट जो है ये ग्लोबल का ही है, आपको यहाँ पे डाल दिया गया है जो कि काफ़ी कूल लगता है। तो यहाँ पे जो है अगर आपको ये थीम पसंद आता है आप सिंपली इसको चेकआउट करो, यहाँ पे जो आपको थीम स्टोर में देखने को मिल जाएगा, कलर पिक्सल सर्च करो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट थीम की तरफ। तो बस नेक्स्ट थीम जो है मैं उसको सिंपली यहाँ पे अप्लाई करके बता दूंगा आपको। तो नेक्स्ट थीम हमारे लिस्ट में है वो है गूगल पिक्सल 4 जो कि कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, जो कि ये एक सिंपल सा थीम है, आप सबको पसंद आने वाला है। अगर आपका फ़ोन को आपने एक नया एक सिंपल सा लुक देना चाहते हो और काफ़ी एकदम अलग से सिंपल सा एक लुक देना चाहते हो तो वैसे ये जो है थीम है ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं जैसे ही बैक करता तो वैसे आपको यहाँ पे होम स्क्रीन में कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको डार्क वॉलपेपर देखने को मिलता है और ये थीम भी यहाँ पे बेस्ट है डार्क थीम की ऊपर। तो वैसे आपसे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे डार्क थीम अप्लाई कर दिया और फिर भी यहाँ पे हो जाए डार्क थीम अच्छे से वर्क करा, यहाँ पे लाइट थीम में मैं चला जाता हूँ लाइट थीम भी अच्छे से वर्क करा। यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ देख सकते हो, आइकन वगैरह जो है सब कुछ नॉर्मली देखने को मिलता है, कुछ आइकन पैक जो यहाँ पे चेंज है आप देख सकते हो। तो वैसे यहाँ पे आप जो देख सकते हो पिक्सल डिवाइसेस में जैसे कि आपको देखने को मिलता था आइकन वैसे आपको देखने को मिलता है इस थीम में। और यहाँ पे देख सकते हो MI वीडियो वगैरह सब कुछ यहाँ पे जो है चेंज हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं सेटिंग्स की बात करूँ सेटिंग्स के आइकन में आपको यहाँ पे एज इट इज नॉर्मल देखने को मिलता है, कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं है, आप देख सकते हो कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ आपको जो है होम स्क्रीन में एक नया सा लुक प्रोवाइड करने के लिए ये थीम जो है वर्क करता है। और यहाँ पे अगर मैं इसको लॉक स्क्रीन की बात करूँ तो लॉक स्क्रीन में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कुछ इस तरह से गूगल का वेडजेट देखने को मिलता है एक लोगो। और अगर मैं जैसे इसको थोड़ा ऊपर स्लाइड करता हूँ तो वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा बाउंसी आपको देखने को मिलता है जो कि काफ़ी कूल लगता है। और अगर मैं फुल्ली ऐसे करूँगा तो वैसे आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट या फिर लॉक स्क्रीन पासवर्ड का आइकन आपको देखने को मिलता है। सो गाइस अगर आपको एक नॉर्मल सा ही लुक चाहिए और एकदम सिंपल सा लुक चाहिए, इतना ज़्यादा छेड़छाड़ इधर उधर नहीं चाहिए, तो गाइस आप सिंपली इस थीम को ट्राई कर सकते हो। इसका जो थीम है यहाँ पे आप देख सकते हो थीम का नाम, तो इसको सिंपली आप सर्च कर लेना गूगल पिक्सल 4, आपको ये थीम देखने को मिलेगा आपके थीम स्टोर में। तो यह सिंपली आप इसको डाउनलोड कर दो, डाउनलोड करके अप्लाई कर दो, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं वहाँ से रिप्लाई दे दूंगा आपको और कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस करने हैं उसके लिए मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट थीम की तरफ।
तो गाइस नेक्स्ट थीम जो है ये भी थोड़ा सा पिक्सल, मतलब पिक्सल ही बेस्ड है या फिर पिक्सल नहीं बेस्ड है आप फिर भी बोलोगे, लेकिन आपको जो लगता है वो आप बोल सकते हो। यहाँ पे मैं सिंपली इसको सिंपली प्रोजेक्ट एक्स के नाम से बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोजेक्ट एक्स यहाँ पे ब्रैकेट में। तो गाइस आपको सिंपली प्रोजेक्ट सर्च करना है, आपके सामने जो है ये थीम चलाएगा और सबसे पहले चलाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। काफ़ी कूल लगता है इसका जो वॉलपेपर है, वॉलपेपर तो मुझे सबसे में काफ़ी बढ़िया लगा और ये मेरा नेक्स्ट फेवरेट थीम कह सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको जो है टीयर ड्रॉप वाला जो आइकन देखने को मिलता है। यहाँ पे इस कंट्रोल सेंटर में कुछ पिक्सल टाइप का आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके सेटिंग्स की, सेटिंग्स में आपको कुछ इस तरह से आइकन देखने को मिलेंगे कुछ इस टाइप के। और यहाँ पे आप देख सकते हो एलेक्स वुल्फ डॉग, फिर स्टाइल थीम, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से लिखा है डेवलपर का नाम। तो ऐसा कुछ मुझे काफ़ी पसंद आता है। यहाँ पे 12 का जो लोग है वो बहुत ही भद्दा लगता है मुझे, एकदम ही पसंद नहीं है। अब तो बड़ा अब तो कंट्रोल। तो गाइस इसके लॉक स्क्रीन की बात करूँ तो इस लॉक स्क्रीन को जिस तरह से आपको देखने को मिलता है जो कि काफ़ी कूल, एक नॉर्मल सा आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है, मुझे काफ़ी पसंद आया इस लॉक स्क्रीन को, क्योंकि ये मतलब इस वॉलपेपर के साथ ये लॉक स्क्रीन काफ़ी मैच होता है और काफ़ी मुझे अच्छा भी लगता है देखने को। और आपको अगर पसंद आए तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो आपके थीम स्टोर से जाके। सो गाइस थीम स्टोर में आप सिंपली सर्च करके यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हो। हर सो गाइस पिछले वीडियो में मैंने जब बनाया था तो गाइस उसमें कमेंट आया था कि भाई आप जल्दी से वीडियो बनाओ और वीडियो बनाओ कि भाई कैसे थर्ड पार्टी थीम्स को इंस्टॉल करना है। तो गाइस वो वीडियो मैं आज इसी वीडियो में आपको बता दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो और इस वीडियो में कुछ कवर हो जाएगा। और सो गाइस अभी सिंपली मैं अभी आपको यहाँ पे एक ऐप का नाम बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो MIUI थीम एडिटर के बारे में आपने नाम तो सुना ही होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे टेलीग्राम पे या फिर आप कहीं पे या फिर आप प्ले स्टोर में जाकर सर्च कर सकते हो MIUI थीम एडिटर, आपको ये देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली इसको ओपन करना है कुछ इस तरह से। तो गाइस इसको सिंपली आपको यहाँ पे ओपन करना है कुछ इस तरह से, आपको लेआउट आएगा यहाँ पे, एक परमिशन आएगा उसको अलाउ कर देना है बस, बाकी और कुछ परमिशन नहीं लेगा। बाकी सब आपको यहाँ पे ब्राउज में क्लिक करना है। ब्राउज में क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपने थीम को रखा है थर्ड पार्टी थीम को, सिंपली उसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो गाइस मेरे पास एक ही थीम है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ओके पे प्रेस कर देना है और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको जो है थीम लोड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो थीम का नाम आ जाएगा। अगर थीम का नाम नहीं आया इसका मतलब ये है कि आपका थीम अच्छे से डिटेक्ट नहीं हुआ है या फिर आपके थीम में कुछ ही प्रॉब्लम है। तो सिंपली आपको यहाँ पे ब्राउज करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह से आपका जो फाइल है वो लोडिंग लेगा, कुछ लोड टाइप का यहाँ पे ले लेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको सब कुछ देखने को मिलता है, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है एडिट फाइल नेम और पैच आपको ये भी खुला छोड़ देना है। आपको सिंपली यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह से ये लोड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लीज वेट बिल्डिंग सिस्टम UI बिल्डिंग थीम, फिर ऐसे कुछ आ जाएगा, मतलब आपको दिखाई देगा कि कौन सा जो है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इसने डिटेक्ट कर लिया, अभी सिंपली इसको इंस्टॉल पूछ रहा है आपको। तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉलिंग थीम आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है और कुछ इस तरह से आपका जो थीम है वो अप्लाई हो चुका होगा। तो इसको अप्लाई करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे थीम स्टोर को ओपन कर लेना है। थीम स्टोर को ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे माई पेज में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो थीम्स के सेक्शन में आपको जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से दो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे सिंपली अप्लाई मी पे क्लिक करना है। ये जो है दो आपको देखने को मिलेगा, एक है खलीफा लाइन यूआई, एक है अप्लाई मी खलीफा लाइन यूआई। आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई वाले में क्लिक करना है कुछ इस तरह से। करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है, कुछ इस तरह से आपका जो है अप्लाइंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही अप्लाई हो जाता है आपको सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं और ये एक्चुअली थर्ड पार्टी थीम्स में ही देखने को मिलता है ज़्यादा। और आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको जो वॉलपेपर जो है ये भी कुछ इस तरह से चेंज देखने को नहीं मिलता है, आप वॉलपेपर चेंज कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग्स में ले चलो तो सेटिंग्स में आपको यहाँ पे माई डिवाइस में कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है एकदम खतरनाक तरीके से। अगर आपको थर्ड पार्टी थीम चाहिए तो वैसे आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो मुझे। और अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ सकते हो जाके। तो गाइस यहाँ पे मैं वीडियो को यही पे एंड करता हूँ। आई होप वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।